हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैंने आज ये होमलेस से कपड़े पहने हैं और मैं जा रही हूँ मेरा पार्सल लेने के लिए, क्योंकि जब वो पार्सल आया तब मैं जिम में थी और मैं चल के अभी जा रही हूँ मेरा जो गेट है सोसाइटी का वहाँ पे लेने के लिए। और मुझे ना बहुत ही हेडेक हो रहा है, खतरनाक वाला, और शाम के कुछ 4 बज रहे हैं और बहुत ही धूप लग रही थी मुझे। और जब भी मैं ये देखती हूँ ना, मैं मेरा फ़ोन इतना टाइट पकड़ लेती हूँ ना कि मैं क्या ही बताऊँ, वरना मुझे ना ऐसे डर लगता है कि मेरा फ़ोन ना उसमें ही गिर जाएगा। और मुझे गेट तक जाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि सोसाइटी बहुत ही दूर है, मतलब गेट बहुत ही दूर है, और मुझे मेरा पार्सल मिल गया। सो अभी हम लोग करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। सो मुझे काफ़ी एक्सपेक्टेशन है इससे, बट देखते हैं। मुझे गुजरात जाना है, दैट्स वाई मैंने ये वाला कोड सेट लिया है और मैं आपके सामने ही खोल रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये कैसा आएगा। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया था ये। सो ये काफ़ी खूबसूरत पिंक कलर कोड सेट है जो कि मुझे एकदम कम्फर्टेबल लगे वाइल ट्रैवलिंग। सो या, और अभी हम लोग इसे खोल के देखते हैं कि ये कैसा है, ठीक है। मुझे काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन है इससे और मैं फर्स्ट टाइम ऐसे कोई कोड सेट परचेस कर रही हूँ। बाय द वे, ये मैंने लिया है मीसो से। सो या, वैसे मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहती मीसो से, बट या, ये कुछ 505 रुपीज़ का था और काफ़ी क्यूट लग रहा है वैसे। चलो अभी हम लोग ना इसको पहन के देखते हैं। और इसका मटेरियल भी ठीक ठाक है, इट्स या काफ़ी ठीक ठाक है। तो अभी दूसरा इसका जो बॉटम है वो भी ऐसे पैजामा टाइप है, मतलब लास्टिक। मैं इसमें ना साइज़ एल ली थी। सो या, तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन है बट ट्राई करते हैं। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। बट पहले मैं आपको मैं कैसी में लग रही हूँ वो दिखा दूँ, और मुझे चेयर पे चढ़ के आप लोगों को दिखाना पड़ रहा है क्योंकि फुल लेंथ नहीं दिखती इसमें। सो या, काफ़ी क्यूट कलर लगता है पिंक मेरी स्किन को, बट इसमें ये थोड़ी फॉल्ट निकला क्योंकि इसका जो अंदर का मटेरियल है वो विंटर का निकला। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। सो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इसमें ना थोड़ा मुझे ये ब्लैक कलर का स्पॉट भी दिखा जो कि मैंने पहले नहीं देखा था। अभी मैं जब आपको दिखा रही थी तभी समझ में आया। और इसका मटेरियल ऐसे स्वेटर टाइप है जो अंदर नहीं होता, जिससे आपको ठंड ना लगे विंटर में। सो मेरे बाल में ठीक कर लो फर्स्ट, काफ़ी गंदी लग रही हूँ। सो आप देख सकते हो काफ़ी रुई मटेरियल है इसका, और इसको मैं अभी रिटर्न करने वाली हूँ। आई एम सो सॉरी मिसो, बट देखो मेरे एप्स दिख रहे हैं। वैसे लोअर बेली है मेरा, मैंने 10 kg कम किया है, बट एप्स लाइन दिखती है मेरी। सो अभी मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। गुड नाइट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो अभी शाम हो गई है और मैं नीलेश के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। मैं तो कुछ म्यूसली वगैरह ही खा लूँगी, बट अभी मैं तैयारी कर रही हूँ नीलेश के लिए क्योंकि उसने मुझे बोला कि खिचड़ी करनी है आज ना। ये जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो आपको पट्टी आगे दिख रही है ना, वो पूरी की पूरी निकल गई थी। मैं और नीलेश ऐसे मस्ती वगैरह कर रहे थे और मैंने उसमें हाथ लगाया और पूरा गिर गया। सो मैं पूरा घर में इतनी सारी मतलब धूल थी ना, ये ठीक करने के लिए आए थे तो वो मैंने शूट नहीं किया, मेरे दिमाग में से ही निकल गया। तो या, इसीलिए मैंने वो शूट नहीं किया। बाकी मैंने पूरा घर साफ़ किया और अभी मैं फटाफट खिचड़ी बना रही हूँ नीलेश के लिए। और मुझे मेरा बहुत ही टाइम वेस्ट हुआ, पूरे के पूरे जो बर्तन थे वो सब ख़राब हुए थे। तो उसमें नीलेश के साथ मेरी थोड़ी नोकझोंक भी हो गई थी। और पहले मेरे हेयर टाई कर लेती हूँ ताकि खाने में गिरे नहीं। और मुझे ना अभी घर की मैं ज़्यादा ही क्लीनिंग रख रही हूँ ताकि कॉकरोच वगैरह ना हो, बहुत ही कॉकरोच हो गए थे गाइस। सो या, खतरनाक वाली भूख तो लगी थी, बट पहले मैं सोचा कि चलो नीलेश के लिए मैं खाना बना दूँ फटाफट। तो अभी मैं फटाफट से खिचड़ी बना के फिर मैं जाने वाली थी मेरी फ्रेंड को मिलने के लिए।
आ चुकी, वो नीचे वेट कर रही थी कि मतलब ऐसे ही तुम बहुत दिनों से दिखी नहीं, तुम आओगी क्या नीचे। मैंने बोला ओके, क्योंकि उसकी छोटी सी बच्ची है ही या, उसके साथ मुझे खेलने में बहुत अच्छा लगता है और ये मैं डांस करती हूँ मैं ऐसी ही हूँ। और वैसे मैं खाना बनाने में प्रो हूँ, बट मुझे तेल और जो भी राई वगैरह उड़ती है ना, उससे मुझे इतना डर लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो फटाफट फास्ट फॉरवर्ड में मैं खाना बना लूँ, इसमें तो मुझे वैसा टाइम लगा था, बट मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो मैं नीलेश को खाना दे के सीधा ही चली गई थी नीचे और थोड़ी देर रही, कुछ आधा घंटा मैंने वॉक किया और हिया से मिली, उसके साथ मैं खेली। देन मैं घर पे आई तो नीलेश अभी भी वहीं पे ही बैठा था सारा सामान लेके, खाना खाने पीने का। मैं आई, मैंने फटाफट से बर्तन धोए, क्योंकि जितनी गंदगी किचन में रहेगी ना उतने ज़्यादा कॉकरोच होंगे। दैट्स वाई मैं कभी भी बर्तन छोड़ती नहीं हूँ, तो एक भी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, अगर एक बर्तन हुआ मैं वो भी धो डालती हूँ। तो रात के बर्तन वैसे आज इतने ज़्यादा नहीं हुए और नहीं होते, क्योंकि रात को ज़्यादातर नीलेश एक ही खाता है, मैं खाना स्किप ही करती हूँ क्योंकि अभी भी मुझे वेट लॉस करने की बहुत ज़रूरत है। तो या मैं हो सके तो खाना स्किप ही करती हूँ, दैट्स वाई। और बाद में मैं क्लीनिंग करके बस सोने ही जा रही थी, और मेरा बस मैं एडिटिंग करूँगी रात को यही वीडियो, क्योंकि अभी भी स्टॉक में वीडियोस नहीं है। बट या और कचरा वचरा सब बाहर डालूँगी। मैं अभी टीवी देख रही हूँ और नीलेश के साथ मेरा झगड़ा हुआ, इसलिए मैं थोड़ा गुस्से में लग रही हूँ। और मुझे थोड़ी भूख लगी तो मैं खा रही हूँ सब्जी छाछ एंड रोटला, सब्जी मूंग की थी। सो या मुझे भूख लगी थी तो मैं हेल्दी खाना ही प्रेफर करती हूँ, मैं ऐसे कुछ भी फालतू चीज़ें खाना नहीं प्रेफर करती। सो या आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।